वहीं मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा युवा नेतृत्व क्षमता विकास शिविर संपन्न हो गया। समापन समारोह में मंडी जिला भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राकेश वालिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खेल विभाग की ओर से युवा संयोजक सुरेश शर्मा ने मुख्य अतिथि को टोपी, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश वालिया ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और समाज सेवा के बल पर युवा अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूक किया और योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। युवा एवं खेल विभाग क्या क्या करता है इसकी जानकारी भी आप लोगों को पहले से यहाँ पर इस कैंप के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। मैं आज आपके बीच में कुछ ऐसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से बताना चाहता हूं, उनकी थोड़ी सी जानकारी भी आपके बीच में अभी रखना चाहूंगा। सबसे पहली योजना की जानकारी हमारे को होनी चाहिए कि सरकार ने सबसे पहली जो योजना चलाई थी वो योजना बुजुर्गों से शुरू की थी। बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना थी, उसकी आयु 80 बरस पहले होती थी, उस आयु को घटाकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उस योजना की आयु जो है वो 70 वर्ष करके जो है हिमाचल प्रदेश के कई हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी एक बहुत बड़ी योजना उसमें चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।